जे ए आई आई बी ऑक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कर रहे हैं अगर आप तैयार तो कैसे आप सिक्सटी प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इन योर पेपर नंबर वन दैट इज आईन आई एफ एसड्यूल्ड ऑन ट्वेंटी आइए जानते हैं इसको नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में सो स्टे विद मी एंड आई विल गाइड यू हाउ कैन यू गेट दीज मार्क्स ओके, सो बेसिकली इफ़ आई टेल यू अबाउट द सिलेबस तो हमारे पास टोटल ग्यारह चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ए में जो कि इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर है मॉड्यूल बी में आठ चैप्टर्स हैं जहाँ इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग पढ़ते हैं तो कहीं कही ना कहीं ये बेस है ये बेस करेंगे तो ये कर पाएंगे यस देन यू हैव नाइन चैप्टर्स इन योर मॉड्यूल सी विच इज मोटूअर्ड्स थियरी यहाँ पे आपको फैक्ट्स हैं कुछ फिगर्स हैं जो याद करनी होंगी और यहाँ पे चैप्टर्स टोटल नाइन है जो कि इंडियन फिनेंशियल आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस मॉड्यूल से पूछे जाते हैं जो कि ये मॉड्यूल डी क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स चैप्टर ज़्यादा है हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल नहीं इंपॉर्टेंट है अब देखिए जहाँ पर ज्यादा यूनिट्स हैं ऑफकोर्स वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे बट विद द कंटेंट दैट वी हैव इन ईच मॉड्यूल क्वेश्चन उतने अकॉर्डिंगली बढ़िया बनते हैं और हमें हर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को अच्छे से अपने दिल में उतारते चला जाना है ताकि हम एटलीस्ट वो फिफ्टी मार्क्स तो क्रॉस कर ही दे और सिक्सटी प्लस आ जाए तो नथिंग लाइक इट और वो आ सकते हैं अगर हम आज से अपने आप को रेडी कर लेते हैं अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि अपन एग्जाम क्लियर करना ही करना है ठीक है जी तो पे सेवेंटीन चैप्टर्स है फिनेंशियल प्रोडक्शन और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं आप मॉड्यूल सी ऑलरेडी महेश सर के साथ चैनल पर कर चुके हैं और मॉड्यूल डी चल रहा है आपका यस एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मॉड्यूल ए एंड बी ये ए आप मेरे साथ शुरू कर चुके हैं जो हम नेक्स्ट 3 4 मोर क्लासेस में फिनिश कर लेंगे देन विल स्टार्ट विद मॉड्यूल बी आल्सो सो इन केस यू हैव एंड येट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस व्हाट्स द वेट फॉर बिकॉज़ यू आर गेटिंग एवरी कांसेप्ट दैट यू रिक्वायर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एब्सोल्युटली जस्ट विद योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम यस yes, तो चलिए कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते चलिए ठीक है जी अब पेपर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो कुछ लगभग बीस क्वेश्चन आपको दिखे हैं हमें दिखे हैं लास्ट फ्यू अटैम्स में फ्रॉम मॉड्यूल ए मैंने टॉक अबाउट मॉड्यूल बी तो हमें यहाँ लगभग पच्चीस क्वेश्चन दिखे हैं यस मॉड्यूल सी में से भी लगभग अठारह से बीस क्वेश्चंस दिखे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पे सत्रह यूनिट्स हैं तो मॉड्यूल डी में हमें थर्टी फाइव लगभग क्वेश्चंस या बेसिकली नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चंस वी कैन से मार्क्स कितने नंबर का पेपर हमको लगभग मिला है हर एक मॉड्यूल से तो बीस मार्क्स का लगभग यहाँ है पच्चीस के आसपास यहाँ है अगेन अठारह बीस यहाँ है और थर्टी फाइव थर्टी एट मार्क्स का आपको मॉड्यूल डी से मिलने वाला है इस तरीके से आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर रेडी हो रहा है तो यस ऑफ कोर्स मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो पढ़ना है हमें उसे भी और वो आप महेश सर के साथ ऑलरेडी चैनल पर कर चुके हैं सो so, सबसे पहले कोशिश करिए आप मॉड्यूल डी को ही कर ले वन यू आर डन विद मॉड्यूल डी साथ शुरू कर चुके हैं हम लाइन में करते हैं मतलब पहले मॉड्यूल ए समझ आएगा तो आप बी समझ पाएंगे पहले समझ पाएंगे इकोनॉमी क्या है सेक्टर्स क्या है कैसे आ, नो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग एक्सेक्ट्रा काम करता है तो आप समझ पाएंगे डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है नेशनल इनकम क्या है जीडीपी क्या है ऑल ऑफ दैट विल कम इन मॉड्यूल बी जो हम जल्द ही आपके साथ करने वाले हैं हमें मॉड्यूल डी एंड सी की वीडियोज ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है ए चल रहा है मेरे साथ और बी भी हम जल्दी ही करेंगे हर एक मॉड्यूल सी देन शुड बी योर टारगेट फॉर फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन ऑल्सो आप इसी तरीके से चलेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे अल्टीमेटली क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड रिविजन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि हमें कितना याद है कितना आता और कितना और करना बाकी बिकॉज through through मॉड्यूलो कि कितने बट अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी एमसी क्यूज अच्छे से कर पाएंगे हम है ना क्योंकि टाइम लिमिटेड है जस्ट इनके साथ बिल्कुल तैयारी नहीं करी है आज भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं रोज के चार पांच घंटे अपने आप को देने को रेडी है कंसेप्ट थर्टी थर्टी फाइव अप्रॉक्सीमेटली वीडियोस पर वीडियो आपको पर चैप्टर मिल जाएगी तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और जल्द ही हम आपके लिए एमसीक्यू बैच लेकर आने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टू थ्री डेज में आपको एम सी क्यू बैच लाइव मिलेगा जहाँ पर हम एम सी क्यू उसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे साइमल्टेनियसली अगर अपने आप को आप नेक्स्ट फोर्टी फोर्टी फाइव डेज दे देते हैं यू विल बी सॉटेड लगभग एक महीना है हमारे पास एग्जाम शुरू होने में फिर उसके बाद हमारी कहानी चलती रहेगी टिल द एग्ज़ाम इज़ ओवर करेक्ट है ना इसलिए मैं फोर्टी फाइव डेज बोल रही वन हूँ वन में तो ऑलमोस्ट साइज सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आरबी डब्ल्यू एम को अभी के लिए हम रोक भी सकते हैं बट फर्स्ट थ्री पेपर्स हमें रेडी करने पड़ेंगे है ना और जैसे जैसे पहला पेपर क्लियर होता चलेगा फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे आरबी डब्ल्यू एम की क्लासेस भी आपको जल्द ही मिलेंगी चैनल पर हम उसके बारे में एक सेपरेट बात करेंगे बट क्योंकि अभी हम आई ई आई एफ एस के बारे में बात कर रहे हैं आपके आपका पेपर नंबर वन है हम उस से एक अलाइनमेंट लेते हुए पीपीबी आप मेरे साथ अगेन पढ़ रहे हैं जहाँ मॉड्यूल डी और मॉड्यूल बी ऑलरेडी कर चुके हैं मॉड्यूल सी भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है दो यूनिट्स रह गए हैं मॉड्यूल सी भी आपका नेक्स्ट टू डेज में फिनिश हो जाएगा एंड देन मॉड्यूल ए इज लेफ्ट तो मैं हर तरीके से चलते चल रहे हैं ए एफ एम का कोर्स आपका ऑलरेडी डन हो चुका है जो कि चैनल पर अवेलेबल है करेक्ट है तो हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल है कंटेंट अवेलेबल है नाउ इज आर टाइम टू एक्ट और आईएफएस आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मेरे सर के साथ पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी चल रहा है आपका स्ट्रैटेजी यही है कि हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अल्टीमेटली रिवाइज करेंगे एंड प्रैक्टिस इज द मूल मंत्र टू क्लियर योर एग्जामिनेशन जिसके लिए हम आपके साथ एकदम रेडी हैं तत्पर है तैयारी तत करवाने के लिए बट आपको रेडी होना पड़ेगा इस मार्ग पर इस पाथ पर चलने के लिए फॉर योर एग्जामिनेशन टिल योर एग्जामिनेशन करेक्ट है हमें करते रहेंगे तो ये सात नंबर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है इस हम एग्जाम क्लियर करके ही बैंकर्स बने हैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हमने क्लियर करे हैं ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ये yes, चैलेंज आज डिफरेंट है क्योंकि आज हम जॉब करते हैं हमारे पास अपनी फैमिलीज हैं तो ऑफिस से पहले और ऑफिस का बाद वाला टाइम डेडिकेट करना होगा जो अब करने का समय आ चुका है हमारे पास अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है फोर फाइव आवर्स आपको डेली देने पड़ेंगे तभी हम इस टारगेट को क्लियर करने के बारे में आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज वी नो दैट इफ आउट ऑफ हंड्रेड नहीं बोल रही हूँ आपके आई आई बी एफ की तरफ से डेटा जो रिलीज होता है डेटा के बारे में पता चलता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉड्यूल डी के आर हम बात करते हैं बोला टोटल के पास तो यहाँ से जो कंटेंट है चालू करेंगे आप पढ़ रहे हैं सर के साथ पहले फिनेंशियल मार्केट क्योंकि आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डोमेन में यस तो ये फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट इंपॉर्टेंट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा ये कैसा टॉपिक है कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ चुके होंगे तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप बातचीत हो रही है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही तीनों चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है यहाँ से आप अपना बेस क्लियर करते हैं बेस सेट करते हैं देन

ठीक है उसके डायनेमिक्स क्या है क्या वेरिएबल्स है जिस जो इम्पैक्ट करता है चेंजेस को इसके बारे में चैप्टर में बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज बिकॉज इट इज़ नो मोर बैंकिंग इज़ नो मोर ओनली रिलेटेड टू लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स टुडे द बोरोट इज बिग ऑफकोर्स इन फ्यूचर ये जो कमीशन फी बेस्ड सर्विसेज हैं वो एक मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट या इनकम बनने वाला है बैंक्स के लिए तो so, ये yes, इसको पढ़ना जरूरी है और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा भी इसी तरीके से डेरीवेटिव

ऑल्टरनेट शिफ्ट में पूछे गए हैं प्रीवियस में तो इम्पोर्टेंट है और ईजी है मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा आपका समय नहीं लेगा इट इज इम्पोर्टेंट एंड ईजी वेंचर कैपिटल ईजी ठीक है और ये आपको सी आई बी में भी मिलने वाला है तो यहाँ पर एक हम बेस बना लेंगे तो वहाँ एग्जाम में छोटी छोटी बातें हमें नेक्स्ट लेवल पर भी काम आने वाली है लीज फिनेस एंड अगेन ईजी ये आपको सी आई बी में नहीं मिलेगा ईजी के साथ मैंने इसको सेम बताया है ठीक है क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट स्कोरिंग ईजी अगेन डिफिकल्ट नहीं है म्यूचुअल फंड से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनेगा पेंशन प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनेगा ये यह, यहाँ पे आई पी एफ डी आर ए ये या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको आधे से दो नंबर के आधे से एक नंबर के क्वेश्चन जनरली मिल सकते हैं येस yes. देन पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस नहीं देते हैं थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट ये जितना हम स्मार्टली पढ़ सकते हैं हम उसे पढ़ेंगे पढ़ रहे हैं आर ई आई टी से एग्जाम में और आई एन वी आई टी से एग्जाम में ऑल अटेम में क्वेश्चन आप पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में ठीक है तो ये इट इज इंपॉर्टेंट एंड देयर फॉर वी है पॉसिबिलिटीज टू बी आज एग्जामिनेशन कराइट ना मॉड्यूल डी में कैसे क्वेश्चंस बने हैं हमें कैसे क्वेश्चंस दिखे वो दिखे हैं हमको डेफिनेशन बेस्ड दिखे दिखें टाइप ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि हमने मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया आपको पेंशन के बारे में बताया म्यूचुअल फंड के बारे में बताया डेरिवेटिव्स के बारे में बताया मनी मार्केट वगैरह में बताया कैपिटल मार्केट स्टॉक ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस अटेंट्स प्लस रेगुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे कंप्लायसेज लॉ एक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक के एगल से क्या आपको फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो ये मॉड्यूल डी से हमें क्वेश्चन दिखे हैं प्रीवियस ईयर्स में और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि मॉड्यूल है हम ऑलरेडी अभी रिसेंटली स्टार्ट करके आए हैं यहाँ पे अपन केवन यूनिट्स दिखेंगी ठीक है जिसमें से फोर यूनिट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं फिफ्थ यूनिट आज करने वाले हैं अपन इस तरीके से हम यूनिट वाइज चल रहे हैं और आपके लिए आधा पौना घंटा देना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने डिसाइड कर लिया और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ओके तो यह मॉड्यूल ए से आपके पास इलेवन चैप्टर्स हैं फर्स्ट फोर चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं ओके अभी ये वाले चैप्टर्स करने बाकी हैं जहा से ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएंगे जब मैं इंडिविजुअल चैप्टर करा रही हूँ वहां पे मैं बताती चली जा रही हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे अगेन ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है ये ये हो गया तो कहीं ना कहीं इसका पोर्शन कवर हो गया बट यस देयर आर फैक्ट्स दैट यू हैव टू कवर हियर आल्सो ओके देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पे डेटा है थोड़ा समय लगेगा थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे Uh, मतलब यहाँ पे समझने से ज्यादा याद करने की बातें हैं तो यस यहाँ पे एफर्ट लगेगा आपका ओके okay? यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन या समय ज्यादा लगेगा टू रिमेंबर थिंग्स अगेन दिस इज इजी इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक आए यहाँ पे भी डेटा है जो लर्न करना पड़ेगा ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जब प्रायोरिटी सेक्टर चालू किया तो ये एमएसएमई और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टच बेस हम कर कर आए हैं पी, -पी, -पी में बट डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दिस इज अबाउट मॉड्यूल ए ओके और मॉड्यूल बी जैसे बताया दोनों इंटर रिलेटेड है ए समझ रखा होगा तो बी समझना आसान रहेगा ठीक है आउट ऑफ ब्लू लगेगा क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई इजी चैप्टर्स एंड इंटरेस्टिंग मतलब ये तीन चैप्टर्स तीन तो दो बोलूंगी फर्स्ट टू चैप्टर्स ईजी है इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर समझ आ गया अगर समझ आ गया, क्योंकि से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ क्लास अटेंड करेंगे तो ये आपको चमकना ही चमकना है और आज के लिए नहीं पूरी जिंदगी के लिए मैं आपको ऐसे तरीका बता दूंगी फॉर्मूलाज याद करने का

पे एफर्ट लगाना पड़ेगा थे समझने के लिए याद करने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा लर्न भी करना होगा और समझना भी होगा अंडरस्टैंड भी करना होगा ठीक है बिजनेस साइकिल इजी हर हर एग्जाम में ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखे हैं ठीक है और इजी है आधे से एक नंबर क्वेश्चन आएगा हर एक आधा नंबर मान ले तो इम्पोर्टेंट है उस पचास तक पहुंचने के लिए और हम सिक्सटी प्लस टारगेट कर रहे हैं ठीक है Policy, policy, learn करना है, यहाँ पे डेटा है आधे so, से एक नंबर आपको यहाँ से भी दिखने को मिला है टोटल यहाँ पर अपन गैस नाइन यूनिट है ठीक नहीं सॉरी यहाँ पे टोटल अपन ग्यास एट यूनिट्स है moving forward with module c module c uh, this is more of theory more of theory more of facts तो लास्ट में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एफर्ट लगाने होंगे टू लर्न यहाँ पे ऐसा कुछ समझने जैसा बहुत नहीं है यहाँ पे लर्न करने वाली बातें बहुत ज्यादा हैं चाहे वो फिनेंशियल सिस्टम के बारे में हो चाहे हमारे बैंकिंग ढांचा के बारे में हो हमारे लॉज क्या बोल रहे हैं और ये लॉज बेसिस है यहाँ पर इट इज़ जस्ट द बेसिक क्योंकि इसकी और बातें और बातें आप पढ़ेंगे जब आप सी में जाएंगे इस पर पूरा मॉड्यूल है मॉड्यूल ए बी आर बी एल का बी आर बी पेपर नंबर फोर का पूरा पूरा ये, ये सात चैप्टर्स है वहाँ पर यहाँ पे सिर्फ बेसिस है, इसी, इसी। पे हैं ठीक है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस ईजी दिस इज ईजी एन बी एफ सी वहाँ पर एक डेडिकेटेड चैप्टर है सी ए आई बी में तो आप यहाँ पर फोकस कर लेंगे अगले अगले लेवल पर भी आपको एक काम आने वाला है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे भी है और थोड़ी थोड़ी बातें आप इंश्योरेंस के बारे में मॉड्यूल डी में भी पढ़ के आए तो अगेन इंपॉर्टेंट है और डेटा है यहाँ पर ठीक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेशन एंड दे रूल्स रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर आप ज़्यादा थियोरी और फैक्ट्स से हम बातें करेंगे समझने की बातें मॉड्यूल सी में कम्पेरेटिवली लेसर है ठीक है ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया आपको एनालिसिस पता चल गया एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं अब समय है टू एक्ट ओके सो आई स्टार्ट अटेंडिंग कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस एंड वेरी सुन विल बी ब्रिंगिंग टू यू एमसीक्यूज तो हमें ध्यान से ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और साठ नंबर लाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ओके आई प्रोमिस टू बी विद यू महेश सर प्रॉमिस टू बी विद यू के उनके आप पे मैं आपको कम्युनिकेट कर रही बिकॉज वी आर कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन द बैकग्राउंड एंड इफ यू आर रेडी टू वर्क विद ये नंबर लाने बिल्कुल मुश्किल नहीं है पॉसिबल है जस्ट यू हैव टू एक्ट फ्रॉम टूडे Okay, which I'm, I'm sure, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं टू वर्क लेट्स एंड लेट्स क्लियर आर जे ए आई आई बी एग्जामिशन नाउ आई टेक यूर लीव जॉइन सी एम एम दिशा टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सो दैट बी एबल टू टू मी पोज देशन ऑल्सोज एनीथिंग विद मी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल ओके